उत्तर प्रदेश में हरदोई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दो दिन तक बेटी के प्रेमी को ढूंढता रहा उसका पिता सर्वेश, न मिलने पर काटी लड़की गर्दन और पहुंच गया था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं नामा टाइम्स। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का यह मामला मजला थाना क्षेत्र का पांडे तारा में दिल दहला देने वाली यह घटना सामने आई है, जहां युवक के साथ बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर बौखलाए पिता ने फरसे से बेटी का सर काट दिया और चोटी पकड़कर सिर लेकर पैदल ही थाने के लिए चल दिया, जहां सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। ये डालते हैं इस सनसनीखेज खबर पर एक नजर। दो दिन तक बेटी के प्रेमी को ढूंढता रहा सर्वेश, पिता न मिलने पर काटी लड़की गर्दन, बोला अपनी आंखों से देखा वो मंजर, इसलिए दी इस दर्दनाक वारदात को अंजाम। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मजला थाना क्षेत्र के पांडे तारा में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां युवक के साथ बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देख कर बौखलाए पिता ने फरसे से बेटी का सिर काट दिया और चोटी पकड़कर सिर लेकर पैदल ही थाने चल दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने रास्ते में ही उसे पकड़ लिया। बेटी की गर्दन धड़ से अलग करने वाले सर्वेश के सिर पर दो दिन से खून सवार था। सर्वेश के मुताबिक उसने दो दिन से ना तो खाना खाया और ना ही पानी पिया। पहले तो वह बेटी के कथित प्रेमी को खोजता रहा, जब वह नहीं मिला तो बेटी की ही हत्या कर दी। ग्रामीणों की जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले सर्वेश ने बेटी को परिवार के ही एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद युवक भाग निकला और फिर गांव नहीं आया। इधर सर्वेश बदहवास सा हो गया था। पुलिस के दौरान पूछताछ में सर्वेश ने पुलिस को बताया कि उसने दो दिन से कुछ खाया पिया नहीं है और लड़के को ढूंढता रहा, लड़का नहीं मिला तो उसने बुधवार को बेटी की हत्या कर दी। सर्वेश ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने अपनी आंखों से जो देखा वह बर्दाश्त नहीं हुआ। सर्वेश की पुत्री कक्षा 12 की छात्रा भी थी। SP अनुराग वत्स ने बताया कि सर्वेश ने अपनी पुत्री की हत्या की है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।